राज्य में 7 दिवस हळवाथी मध्यम वरसादनी आगाही करवामां आवी। दक्षिण गुजरात में येलो अलर्ट साथ भारे वरसादनी आगाही, तो 25 અને 26 સપ્ટેમ્બરે येलो अलर्ट साथ भारे वरसाद रहेशे। नवसारी, वलसाड, दमण में भारे वरसादनी शक्यता व्यक्त करवामां आवी छे। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, उसमें गुजरात रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान है, और सौराष्ट्र रीजन में लाइट टू मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान है, और कच्छ आने वाले 7 दिनों में ड्राई रहेगा। और हैवी रेनफॉल वार्निंग की बात करेंगे तो डे 5 के लिए नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। साथ में डे 6 और डे 7 के लिए भी नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और टेम्परेचर की बात करेंगे तो अहमदाबाद का 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रियलाइज हुआ है, और अहमदाबाद के लिए आज के लिए 36 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर का पूर्वानुमान है। सर, क्या रीज़न है कि उस टाइम पर बारिश होगी? अभी जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, और साथ में एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ थाईलैंड में, और इन दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के इन्फ्लुएंस से एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होगा 23 को, उसकी पोजीशन होगी वो नॉर्थ वेस्ट और एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, और इसका जो मूवमेंट होगा वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसके सिस्टम के इन्फ्लुएंस और इसके मूवमेंट के ध्यान में रखते हुए 5वें, 6ठे और 7वें दिन के लिए वलसाड़, नवसारी, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है।